बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8 का मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है और मैं आप सभी बच्चों को बार बार बोलता हूं कि आप इसमें से सीखें, दूसरों को सिखाएं। जब तक आप दूसरों को नहीं सिखाएंगे, जब तक आप अपनी प्रैक्टिस को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। इसलिए अच्छे मार्क्स के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं, और प्रैक्टिस कैसे होगी? दूसरों को सिखाने से। ठीक है बच्चों, तो सीखें सिखाएं, एक साथ कदम बढ़ाएं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर ठीक है लिखा है, टू बस ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, यहाँ पर टू ड्राइवर हैं और एक ही स्थान से अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं चलना, ड्राइव करना। वन गोज टूवर्ड्स नॉर्थ एट 36 किलोमीटर पर आवर एंड अदर गोज टूवर्ड्स साउथ एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक तो नॉर्थ की तरफ जाता है, दूसरा साउथ की तरफ जाता है, स्पीड आपने देखी ली है। हमें बताना व्हाट टाइम डिड दे टेक टू बी 190 किलोमीटर अपार्ट। तो बताना कि वो दोनों एक दूसरे से 190 किलोमीटर यानी 190 किलोमीटर दूरी पर होंगे, कितने आवर बाद होंगे। ठीक है, ये हमें बताना है, तो आपने देख लिए। आइए हम इसको करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर बच्चों मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये मान लीजिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, और वो है यहाँ पर। ठीक है, दोनों ड्राइवर, तो एक तो चला नॉर्थ की तरफ जिसकी स्पीड आई 36 किलोमीटर पर आवर, और एक चला साउथ की तरफ उसकी स्पीड है गाड़ी की या बस की यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दोनों, ये भी एक घंटा चला और ये भी वन आवर चला। ठीक है, दोनों वन आवर चले, तो वन आवर में कितनी डिस्टेंस हो गई दोनों के बीच में? तो यहाँ पर 36 प्लस 40, ठीक है बच्चों, आ गया 76। तो 76 किलोमीटर हो गई यहाँ पर वन आवर के बाद। ठीक है, ये टाइम, ये डिस्टेंस हो गई उनके बीच की, और टाइम जो लगा है वो लगा है बच्चों वन आवर का। ठीक है, यहाँ पर वन आवर का। तो आइए अब मैं टेबल बना लेता हूँ, टेबल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इजी तरीके से निकल आएगा। यहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं ए, ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ तो लिखते हैं डिस्टेंस, तो मैं डिस्टेंस लिख लेता हूँ, डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, और यहां पर लिखते हैं टाइम इन आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस है बच्चों उनकी 76 किलोमीटर, और जिसमें टाइम लगा वन, और डिस्टेंस चाहिए उसे यानी 190 किलोमीटर में, मान लीजिए एक्स आवर में वो दूर होते हैं। ठीक है, अब देखो ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा टाइम, ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा टाइम, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मोर टाइम। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो रेशो ऑफ डिस्टेंस, तो 76 रेशो 190 इक्वल रेशो ऑफ आवर्स 1:x। अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, तो 76 इंटू एक्स और इक्वल यहां पर 190 इंटू 1, इस तरीके से आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेते हैं 190 इंटू 1, और यहां पर 76 डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं, आइए 2 3 6, 2 8 16, यहां से 2 9 18, ठीक है 10 हो गया, 2 5 10, इस तरीके से। ठीक है, अब ये आ गया बच्चों 95/38। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या यहाँ पर। ठीक है, ये आवर आ गई। अब ये आवर को हम पहले इसको कर लेते हैं डिवाइड, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं डिवाइड कर लेता हूँ 38 से। ठीक है, और 38 की टेबल चलेगी 2 पर, तो 2 पर लेते हैं 76 आ जाता है। आइए इसको माइनस कर लेते हैं, 5 में से 6 माइनस नहीं होंगे, 15 में से 6 माइनस करेंगे, 9 आ गया और यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा के 0 लगा लेते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों शायद 5 पर। ठीक है, यहाँ पर 5 पर, 5 8 जा होता है 40। ठीक है, कि 0 कैरी 4, 5 3 जा 15 और 4 19 हो गया।
ये आ गया। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो आ जाता है 2.5 आवर्स। अब आप कहेंगे कि ये टाइम कितना है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 2 आवर, ये भी आवर्स है, ठीक है, अब ये भी आवर्स है, अब ये पॉइंट में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस आवर के क्या बना लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, या तो आप इसको बना लीजिए, चेंज कर लीजिए, या फिर एक तरीका और हो सकता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये एक तरीके से 2 आवर 30 मिनट बना जाए, यानी 2.5 घंटे में, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, अब ये आवर है, ठीक है बच्चों, इसके क्या बनाने हैं, मिनट बनाने हैं। तो मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका आ गया इस तरीके से, ठीक है, 0 पॉइंट। तो इसके हम बना लेते हैं, इसके नीचे 1 और यहाँ पर पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के पीछे क्या है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो 10। और यहाँ पर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 0 से 0 और 6 5 जा, यहाँ पर हो गया 30, ठीक है। तो अब ये पॉइंट तो हटी गया, तो 30 मिनट्स हो गई। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों अच्छे से, 2 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। 2 आवर 30 मिनट्स के बाद वो 190 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होंगे, यानी दोनों एक दूसरे के, उनके दोनों के बीच की दूरी 190 किलोमीटर होगी, कब, 2 आवर्स 30 मिनट के बाद, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 को भी रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, सत्यम हैज एनफ मनी टू बाय 60 oranges एट ₹5 per orange, ठीक है। सत्यम के पास एनफ मनी है, यानी वो 5 rupees का ऑरेंज खरीदता है, तो 60 oranges वो बाई कर लेता है। हाउ मैनी oranges कैन ही बाई इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाई ₹1 per orange, ठीक है। यदि 1 रुपये पर संतरा बढ़ जाए तो वो कितने ऑरेंज खरीद पाएगा, आइए करना शुरू करते हैं। इसको भी हम टेबल से बना लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 48, ये मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक टेबल इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से। एक तरफ तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, एक तरफ लिखते हैं कॉस्ट। अब एनफ मनी मतलब उसके पास फिक्स रुपीज है, ठीक है। अब ऑरेंज लिए उसने बच्चों यहाँ पर 60, जिसकी कॉस्ट थी क्या, 5 rupees। अब उसमें कहा है कि 1 rupee पर बढ़ जाए, तो मान लीजिए पहले 5 थी, अब 1 और बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है, 6 हो गई। और 6 में मान लीजिए वो ऑरेंज एक्स लेता है, ठीक। अब ज़्यादा पैसे बढ़ गए, तो ज़्यादा पैसे में तो कम ऑरेंज आएंगे ना, वही उतने ही पैसे में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोर मनी लेस ऑरेंज, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर लेट भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेट करना चाहे तो लेट, क्या नाम है उसका, लड़के का, सत्यम, तो मैं ही से कर देता हूँ, लेट ही बाइज, लेट ही बाइज एक्स ऑरेंज, लेट ही बाई एक्स ऑरेंजेज, और यहां पर लिखेंगे रुपीज इन रुपीज 6, ठीक है बच्चों, 6 rupees मान लीजिए वो एक्स ऑरेंज खरीदता है। अब इसको करना शुरू करते हैं, रेशो ऑफ ऑरेंजेज, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स रेशो 60 लिखेंगे, और इक्वल फिर 5 रेशो 6, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, तो 6 into x और यहाँ पर 60 into 5, तो x की वैल्यू निकालते हैं, 60 into 5 और यहाँ पर 6 10 60, तो 10 5 जा होता है 50। तो वो जो है 50 ऑरेंजेज लेगा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इस तरीके से, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।